आई नो यू आर स्पीचलेस बट स्टिल कुछ कह सकते हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है. अभी इस ट्रेलर की तरह वैसे है ना, बहुत सिंपली निकाल लिया. बट सीरियसली गाइस, हाउ डू यू लाइक द ट्रेलर? हाउ डू यू लाइक द ट्रेलर? कैसा लगा ट्रेलर आपको? या या ओ वाह सॉरी यार, ये पता ही नहीं गया था मुझे यार रोहित. सो आई एम श्योर दैट यू लव द ट्रेलर है ना, तो जोरदार तालियां हो जाए बिल्कुल. आई एम श्योर इट कम्स फ्रॉम बॉटम ऑफ अ हार्ट बिकॉज सच अ टचिंग ट्रेलर. एंड इस फिल्म को जिन्होंने जान दी है, बहुत ही प्यार से बनाया है और जिस तरह लिखा है, फैब्रिकेट किया गया है, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जिनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको. इससे पहले कुछ साल पहले इन्होंने ऑलरेडी नेशनल अवार्ड जो है वो जीता हुआ है. प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी उन्होंने फिल्म, आई एम श्योर हम सब जानते हैं उत्रयान. उसके साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सर पा चुके हैं एंड तकरीबन 150 से 200 एड फिल्म जो हैं वो कर चुके हैं और तमाम शोज प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किए हैं. मगर डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म के साथ, विच आई एम श्योर गोना गेट समथिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बिपिन सर. प्लीज जोरदार तालियां हो जाए फॉर बिपिन नाटकर्णी सर. प्लीज प्लीज कम ऑन स्टेज. सच अ माइंड ब्लोइंग स्टुपेंडस, आई फॉल शॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. व्हाट अ लवली ट्रेलर, टोटली ब्लोन अवे. लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे देखने के बाद. मैंने 3 बार पूछा कैसा लगा. सो थैंक यू सर. ऐसे में एक सवाल आता है, बहुत सारे सवाल होंगे जो मीडिया पूछेगा एक एक करके. इस पे सर थोड़ा स्माइल कर रहे हैं जब मैंने कहा मीडिया सवाल पूछेगा. ओके सो सर, पहला सवाल जो लोगों के जहन में आएगा कि इसका नाम दरबान क्यों? Well, it's a symbolic name. Darban stands for a caretaker. He's the one who holds the door, who guards the door. In this case, he's the caretaker of the child. So he's the Darban of the child. So that is the link. However, the name I got thanks to my screenplay writer, because Rakesh. Actually, uski ek Hindi प्ले चल रहा था, हिंदी ना मराठी प्ले चल रहा था जिसका नाम था दरबान. एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी वर राइटिंग एंड आई सेड वी विल यूज दिस इफ यू डोंट माइंड. आई कीप स्टीलिंग हिज नेम्स. मेरा ये मैंने जो मराठी फिल्म है एवढा सा आबाळ, वो भी इन्हीं की गाने की एक दो लव्स थे एवढा सा आबाळ जो आई स्टोल फ्रॉम हिम. और दरबान भी मैंने उससे छीन लिया. आपका नाम क्या है? राकेश जाधव. जल्दी हो सकता है ये नाम भी चुरा लिया जाए किसी फिल्म के टाइटल के लिए. यू नेवर नो. सो बिपिन सर, इसके साथ एक सवाल जो रहेगा, बिकॉज आज फिल्म के डायरेक्टर तो थे ही, यू वर आल्सो द प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स में भी आपने थोड़ा इसमें आपका हाथ था. सो कितना डिफिकल्ट रहता है बिकॉज, और कितनी आसानी और कितनी मुश्किल रहती है बींग द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म विच हैपन्स टू बी योर डेब्यू फिल्म? वेरी, नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट इन द सेंस, इट्स लाइक अ टू फेस थिंग. You are talking to an artist as a director and suddenly you turn around as a producer and you have to tell him something. So you have to keep changing your roles as a director and producer, which is very difficult. Otherwise, I'd love to be only a producer. No, you don't worry about the monies and, you know, it's so easy. But in all my 3 films, I've been lucky to, not lucky in the sense, I have been producing and directing all my life. तो सर ऐसा होता है कि मतलब जब अच्छा शॉट देके आते थे शरद भाई या फ्लोरा या शारिब भाई, तो कहते थे सर शॉट अच्छा दिया, यू से वेरी गुड शॉट, तो उसके बाद कहते सर बर्थडे बढ़ा दो, ऐसा कुछ होता था? बट वेरी जोक्स अपार्ट, सो मैं चाहूंगा सर आप प्लीज स्टेज पर जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर विपिन नाटकर्णी. मैं सर चाहूंगा प्लीज मंच पर रहिए, बिकॉज उसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जो आने वाले कुछ वक्त में सबकी नौकरियां खा सकते हैं. व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर, तो इनकी तारीफ में कुछ बनता है. बंदा सिंपल बट एक्टिंग है ताबड़तोड़. शारिब हाशमी, प्लीज कम ऑन बोर्ड, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस स्टुपेंडस ब्रिलियंट एक्टर शारिब. शारिब भाई ज्यादा मत बोलो यार, मैं आपको देख के मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं नहीं है मेरे से. मतलब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो जॉकी हो तो मतलब सवाल बहुत सारे माइंड में आते हैं, मतलब कहां से लाते हो इतनी सारी एक्टिंग, मतलब इतनी रेफरेंसेस, इमेजिनेशन, मतलब हाउ डू यू डू इट? ये सर, सर आपका नाम ले रहे हैं राइटर्स वहां बैठे हैं, राधिका जी, राकेश, और इतने स्ट्रॉन्ग बेस पर ये बना है कि कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक स्टोरी पर, तो ऑफ
कहानी में अगर आधी चीजें कहानी कह देती है, हमें तो सिर्फ जो उन्होंने लिखा गया है उनको बोलना होता है और कुछ खास नहीं, सारा काम इनका है। ये अवार्ड विनिंग स्पीच के लिए तालियां हो जाए। नहीं नहीं, जो पहले से प्रिपेयर की है, एक्टिंग तो सर हमने आपकी देख ली है, आई एम श्योर कि इट्स गोना बी अनदर लेवल, बट वी लव्ड इट, जोरदार तालियां हो जाए शारा भाई के लिए। थैंक यू। प्रोटीन शेक लाना भूल गया वैसे अपना। बट गाइस थोड़ी आवाज भारी करनी बनती है, बिकॉज़ समबडी आई लव हिज वॉइस, सॉरी मेरी आवाज में रणबीर कपूर निकल के आ रहा है, सो इट हैपेंड, इट्स ओके गाइस। एक्टिंग में लेते हैं सबकी ये कहकर, हाय गाइस दिस इज रणबीर, एक्टिंग में लेते हैं सबकी कहकर, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द सेक्सी वॉइस शरद खेलकर। अभी आ रही है खेलकर। शरद भाई, शरद भाई वॉम वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज शरद भाई के लिए। मतलब ऐसा रेडियो प्रेजेंटर, मैं किसी की आवाज का फैन हूँ, किसी रेडियो जॉकी का नहीं, शरद केलकर जी का, आई लव योर वॉइस, मैंने जिम में भी उस दिन बोला था। Did very nicely, yeah. This thank you, sir. Ranbir Kapoor. It happened sometimes, yeah. Oh, it just happened. Just one second. Alia, our press conference mein wala. Alia is online, sir. Kuch baat karo. Anyway, sir. इससे पहले ये वायरल हो जाए गाइस। सो चलो, एक सवाल है कि अच्छी फिल्में जो हैं वो आपके पास खुद चल के आती हैं या आप उन तक जाते हैं या कैसे होता है? बिकॉज एवरी फिल्म यू चूज आई थिंक इट्स आइदर ऐसा नहीं है कि शुरुआत आपकी अच्छी हो करियर में तो आपके पास अच्छी चीजें आती हैं, क्योंकि शुरुआत इनसे ही हुई थी। मैंने अपनी पहली फिल्म 2005 में उत्तरायण जो थी वो बिपिन सर के साथ की थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला उस साल में। तो जब शुरुआत आपकी ऐसी हो तो फिर सफर भी अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता था बिपिन जो बनाएंगे वो अच्छा ही होगा कहानी के तौर पे, क्योंकि वो वैसे यहाँ वहाँ के सब्जेक्ट उठाते नहीं है, वो अच्छी ही फिल्में बनाते हैं हमेशा। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, और फिर हमारा साथ बड़ा पुराना है मेरे बचपन से, तो मैं ना भी नहीं बोल सकता वैसा है। नहीं, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म, बिकॉज छोटा है बट बहुत अच्छा रोल है, और फिर साथ में इनके साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, फ्लोरा है, रसिका है फिल्म के अंदर, हर्ष जी हैं, तो काफी लोग साथ में थे और बड़ा मजा आया काम करने में यार। फिर जैसे आप रणबीर कपूर निकालते हैं, ये बहुत कुछ निकालते हैं। तो टाइम पास भी अच्छा था इनके साथ। तो कुछ एग्जांपल हो जाए आप जो निकालते हैं, आप प्लीज मीडिया के सामने एक बार निकाल दीजिए, बस कुछ ऐसे शब्द ना हो जिसके बाद हमें भागना पड़े। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। यार आज मूड नहीं। ये बहुत थके मानते हैं उड़ीसा से शूटिंग करके, दिन रात शूटिंग ही कर रहे हैं ये। इनके टैन बदन को देखो आप, बहुत टैन है। बट ये पीयूष जी थे आपके लिए जिन्होंने गाने की शुरुआत की। All right, जोरदार तालियां हो जाए शरद भाई के लिए। थैंक यू सो मच। एंड विद दिस माय डियर फ्रेंड, नहीं एक शायरी तो बनेगी आपकी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, मतलब आप जानते ही हैं डिजिटल पे है दुनिया इनकी दीवानी, माय फ्रेंड माय डियर फ्रेंड अनअपोलोजेटिकली चार्मिंग फ्लोरा सैनी, जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले हम टेडिक स्पीकर रह चुके हैं, हम आई थिंक तकरीबन एक साल पहले मिले थे। अभिनंदन यार, मैंने बताया था मुझे, वो बैठे बैठे यहाँ था, तब भी अभिनंदन ही था क्योंकि मैं जयपुर से यहाँ का कनेक्शन नहीं बना पा रही। यस यस यस। सो फ्लोरा, ये फिल्म इतने ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ आप कर रही हैं, वी गेट टू सी यू इन अ डिफरेंट अवतार, थोड़ा सा कैसा लगा? टेल मी अबाउट दिस फिल्म। सो आई हैव टू थैंक बिपिन सर, वी वर डूइंग एन एड एंड वी शॉट फॉर टू डेज एंड आई थिंक फर्स्ट डे के एंड पे सर केम, आलोक केम एंड सेड सो वांट्स टू टॉक टू यू। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड दैट्स व्हेन सर सेड कि आई एम मेकिंग दिस फिल्म एंड you know I would like to cast you, and yeah, that was it. But as I speak, I know, you know, Sharib is a fantastic actor, and Sharad of course. Two people I have to mention, because one is Amlendu, I think. sorry okay. And Vikram Gaikwad, our makeup artist.
He was so good because when Sharad and me have a look in the film, which is of a, it's an old get up. I love the old me. Trust me, I can't wait to get there. And of course, you know, so the amount of research or the changes. Generally, when you look old, they show the hair white, a little hairstyle change. But here, there's a lot. Yeah. Zorda Thalia Hoje for this brilliant actress, Flora Saini. And ऐसी जिंदगी में कास्टिंग मैंने कहीं देखी नहीं होती है कि आपको ऑडिशन के पैसे ऑडिशन के पैसे मिलते हैं आपको. ऑडिशन मतलब एक एड फिल्म होती है जो आपको देते हैं वो. आप एड फिल्म में काम करो, आपको पैसे भी मिलेंगे, ऑडिशन भी हो जाएगा. रोज चलेंगे. सॉरी. या अमलेंदु ऑन द स्टेज प्लीज. And Rakesh and Samir, Radhika, could you all please, Rohan, could the cast and crew quickly come for 2 minutes? Mukesh, Yogesh, come. Anybody have from, hello, Raman, Ramani, he has acted in the film, he is one of the cast, Amlendu Chaudhary, he is the photographer, he is the cinematographer of the film. He started his career with that. Raja Harishchandra, which was nominated for the Oscars. Harishchandraji Factory, sorry. And then very recently he also shot Chichore. These two are from the many films that he's done. I just thought I'd talk about them. Stree. That's Yogesh Beldar, my co-producer. Samir Konvalkar, my art director and production designer. Alok Kasbekar, my associate producer and the man behind Darban. And Rakesh Adav and Gurdeep, sorry. Please come fast, the main guy. Sorry, aise ho jata hai. Paji aaiye, Gurdeep Singh, my distributor, who's going to distribute the film. Thank you all very much. Zorda Thaliya Hoje, please, for the whole cast and crew of Darban. And I would like to please rest of you can take your seats. But I want Bibin sir, Sharad, and Sharim and Flora, please, to be on stage. Because now we're going to have a question answer round with the media. So, is the mic? No, there's not much of a difference, to be honest. It's just that I'm closer to Marathi culture. But here it's a pan North Indian feel. But still, there is definitely a more comfort level when you're doing a Marathi because that's where you come from. But aise mujhe kuch, it's only the monies which make the difference. Otherwise, it's not really a... Because this is not very any specific or language-centric or aisa kuch nahi hai. It's overall a pan-Indian. I know, Sharad, you repeated because you were impressed with Uttarayan. And Flora, because of the ad film. What made you zero in on Sharib? Talent. Absolutely. And actually, I saw the talent in that one photograph which Alok showed me when... because I wanted somebody whom I could show from, there was an age, he grows from what, 28 to 55, 60, mid 60s. So he could, I wanted somebody whom I could use over the years. Otherwise I would have had to use two people, which was not working for the script. And he fitted that perfectly. He has that innocence, that straightforwardness, which the, no, seriously. है इनोसेंट नहीं है वो बट इट ऑन हिज फेस ही वो दिखाई दे रहा है. मेरा सवाल शारिब आपसे है. शारिब भैया यहां से ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव लगता है. जज्बाती रिश्ते मालूम पड़ते हैं. एक मिडिल क्लास और एक बहुत हायर क्लास की कहानी दिखती है. जिस वक्त हम ट्रेलर देखते हैं हमारे जहन में, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, इट रिमाइंड मी ऑफ बाबा. यू नो व्हाट दीपक डोबरियाल हैड प्लेड
हालांकि वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि एक शख्स है जो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, वो रिलेटिबिलिटी आती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर था और आई वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म ऑल्सो, क्योंकि मुझे दीपक जी का काम बहुत बहुत पसंद है। अगर आपको इससे अगर उसकी याद आ रही है तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी है, और अगर रिलेटेबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे कंटेंट से आप इसको रिलेट करें तो हमारे लिए तो खुशी की ही बात है। दीपक सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, यू नो, हाउ डू यू सी द कंपैरिजन, बिकॉज़ यू हैव डन मराठी फिल्म्स आल्सो एंड यू हैव माइट बी हैव सीन बाबा टू। आई हैव नॉट सीन द फिल्म, but from the name of the actor I can imagine, I mean he is a very good actor, so as he said, if you're comparing that with the, I mean it's a good thing, it's a compliment. चलो आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप, मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है आपकी भी ऑफ स्क्रीन भी शारिफ के साथ, जब से आए हैं आपकी मस्ती चालू है उनके साथ महसूस कर रहे हैं हम सब, अभी खत्म किया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जब मैं शरद की बात करता हूं, एक शख्सियत जहन में आती है, टॉल हाइटेड स्टार मटेरियल, शारिफ की मैं बात करता हूं, एन एक्टर ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्या ये भी एक्टर है भाई? यस ऑफ कोर्स, ही इज द फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। शरद, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का, जो एक यू नो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों एक्टर के बीच में दिखती है ऑफ स्क्रीन भी? देखिए, पहली बात तो फिल्म में काम करने का मजा वही है जहाँ आप लोगों को जानते हो, तो विपिन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और दोस्ती भी है उनके साथ काफी अच्छी। रही बात शारिफ से, मेरी मुलाकात आई थिंक फर्स्ट टाइम वहीं हुई थी फिल्म के दौरान, बट इतने अच्छे आदमी है ना मेरे जैसे बिल्कुल, तो फिर वो दोस्ती हो ही जानी थी हमारी। फिर देन वी डिड फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2, और सेट पे काम कम होता है हमारे, हमारे मस्ती ज्यादा होती है, खाना पीना ज्यादा होता है तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वैसे भी, तो दोस्ती हमारी काफी अच्छी है, और ये क्योंकि सोशल नेटवर्क पे इतने ज्यादा एक्टिव है कि कम से कम दिन में 10 बार तो इनसे बात हो ही जाती है, बिकॉज 10 बार ये मुझे टैग करते हैं, 5 बार मैं इनको टैग करता हूँ, तो हमारी बात होती रहती है काफी ज्यादा, तो केमिस्ट्री अच्छी है, तो काम करने में उतनी उस फिल्म, बिकॉज उस फिल्म में हम फर्स्ट टाइम मिले थे, बट वही ना कि अगर सामने वाला एक्टर बहुत अच्छा हो ना तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत वो एक एडवांटेज होता है काम करने में, काम आसान हो जाता है आपका, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग टू समवन, और अगर अच्छा एक्टर हो तो आपके लिए उतना अच्छा है, इसलिए वो केमिस्ट्री शायद दिखती होगी हमारी, बाकी पीछे की हमारी फिजिक्स मैच नहीं करती लेकिन केमिस्ट्री मिलती है। ऐसे आपको बहुत बुरे बुरे जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते रहेंगे, डोंट वरी। विपिन सर, योर स्टोरी ऑफ टैगोर इज स्पेशली चोजन फॉर बाय यू और वेरी कंपेल्ड बाय द टैगोर लिटरेचर, देयर आर सो मेनी क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज, सो व्हाट कंपेल्ड यू टू टेक दिस स्पेशली स्टोरी? No, it's like you don't quite know exactly क्यों एक रिश्ता बन जाता है, it's like you don't know why you really fall in love with somebody. You can't pinpoint, but of all the stories that I read of Tagore, somehow I got attracted to this. And I've been living with this story for long. It was even before Uttarayan that I was, you know, मैंने शुरू की थी स्क्रीन प्ले, लेकिन वो रह गया, उसके बाद 2 फिल्में होंगी, उसके बाद मैंने ये वापस उठा लिया। So I guess it's always the compassion and the sensitivity of a film which actually attracts me. If you look at all my 3 films. Sharad sir, you are a very popular dubbing artist also. Yes sir. So is it for an actor to be a dubbing actor or? Sir, आप honestly मुझसे पूछेंगे ना तो पहली बात तो मुझे अपनी आवाज समझ में नहीं आती है। वो आप लोगों को सुनाई देती है, मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं देती है, जितनी अच्छी आपको सुनाई देती है। सेकेंडली, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप एक एक्टर अगर अपनी आवाज से प्यार करने लगे तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर नॉट टू बी इन लव विद योर ओन वॉइस। मैं वो फॉलो करता हूँ और इसलिए मैं तरह तरह की आवाजें निकालता रहता हूँ ताकि एक आवाज सुनाई ना दे किसी को। So it was amazing. There is something that I learned from Sharif. I still remember this big scene that I had where जो ट्रेलर में आपने देखा, and I was very nervous because sir came to me, because हमने जब ad shoot की थी तो it was a sad moment, happy moment, but रोना नहीं था इतना। Sir came to me, you have to cry. I said sir, and I mean really like you know you've lost your kid, that kind of crying. I don't know, sir has been so kind, he offered me the movie while I was shooting the ad and I have to do well.
I was so nervous. And once that scene started, because Sharib and me both had this, moment where both of us are crying. And uske beech mein ek, we were going to change the lens and do another take. And I remember I went and sat with Sharib. And he started talking something else. He was joking, he was laughing, and I got distracted and I'm like, ha ha. And I look sideways and Sharib totally disconnected from us. He was taking a walk and thinking so hard ki abhi next shot aane wala hai, mera close up hai, mereko bahut acche se ye dena hai and I have to be in the moment. And I was even more nervous because I said, shit, main to zone out ho chuki hu thanks to him. Ab main kya karungi? Fir maine ek line boli usko ki producer ne kaha tumhe check nahi milega. To wapas ho jayenge. It was an amazing experience and I learned a lot from Sharib, I have to say that, yeah, sir, of course. Bipin? Yeah, considering Flora has a glamorous image, in the digital zone, how did you visualize her for such an intense, sensitive character? No, when I had casted her, it was different, but especially with Flora and even with Sharib, maybe it was the ad that I was doing, that was a serious ad, but I always found that hurt in her eyes, even at that time. That's why I had told her, not because she was working with me in an ad, but I thought she was the right person for that. And even Sharad, I'm really surprised that, he always gets to do these negative roles, but he's such a nice boy, gentleman, jo hai hamare film mein, alag hai from what you normally see him. शरद आपसे सवाल है योर लेफ्ट ओवर आई डोंट नो जब हम ट्रेलर देख रहे थे ऑफ कोर्स शारिब हाशमी तो हम देखते आ रहे हैं बीट फिल्मिस्तान और फैमिली मैन वी नो डिफरेंट शेड्स ऑफ हिम बट ओवर हियर कुछ कम सीन्स हैं आपके आई एग्री टू दैट लेकिन आई डोंट नो आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट स्वदेश के जो शाहरुख खान थे दैट कैरेक्टर आई मीन कमिंग फ्रॉम अ वेरी व्हेन ही वाज यंग एनफ देन वो कुछ अलग कल्चर में चले जाते देन ही कम्स बैक ओवर देयर There was this connection that I don't know how did it came. So, वैसे कुछ कभी हुआ लगा आपको ऐसा? Sir, R missing है sir. वो SRKM है SKM पर लगे थे. बाकी connection नहीं simple है because क्या होता है ना कि हम एक actor को या एक particular role में देखने के आदि हो जाते हैं या एक हम अब एक उसके लिए एक perception create कर लेते हैं कभी-कभी. जो मेरे साथ बहुत होता है लोगों का कि एक strong voice है लंबा चौड़ा आदमी है अच्छा villain ले लो इसको. बट कहीं ना कहीं अगर फिर मैं वही बोलता हूँ कि आप एक डायरेक्टर हैं या जो एक कास्टिंग करने वाले अगर वो उसकी एक अदर साइड देखें कि ये एक एक्टर ऐसा भी कर सकता है क्या अगर इसको चांस मिले तो वो बहुत कम होता है और बहुत कम डायरेक्टर्स करते हैं उनमें से एक बिपिन है जिन्होंने शायद इतने टाइम के बाद जब मैं आई थिंक माई फर्स्ट फिल्म 2005 और इतना काम करने के बाद भी वो मुझे उसी छवि में याद कर रहे थे जो मैं पहली फिल्म में था इनकी एज अ सिंपल बॉय इन दैट फिल्म और आज भी उन्होंने मुझे उसी इसमें देखा बिकॉज शायद वो एक बैगेज इनके पास नहीं था मेरा कि यार भारी आवाज और एक अपीरेंस ऐसा होता है ऐसा आता है ऐसा डायलॉग बोलता है तो शायद मुझे लगता है कि अगर और लोग इस तरह के एक रुख अपनाएं किसी एक्टर को लेके तो शायद काफी अच्छा टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में उनको आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है टू द डायरेक्टर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि वी ऑल नो हाउ रिच द मराठी लिटरेचर इज आपने मराठी फिल्म ऑलरेडी कर चुके एंड दिस इज योर हिंदी फिल्म आई मीन हाउ डिड दिस स्टार्टेड सर किस तरह के इतना वक्त क्यों लगा टू बी प्रिसाइज टू कम इनटू हिंदी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नो लिटरेचर इज बियॉन्ड लैंग्वेज देयर इज नो लैंग्वेज इन लिटरेचर इट्स फॉर अस वी कन्फाइन इट विद अ लैंग्वेज लाइक माय फर्स्ट फिल्म वाज बेस्ड ऑन अ मराठी प्ले दुर्गी The second one was based on a Hindi novel, Manu Bhandari's novel. And this one was based on a Bengali. The core idea is very humanist. It is the emotion. So I don't actually see them as different languages. So for me, it is the same flow of emotion of a human, human nature. Yeah. Am I... Clear in that? Thank you, sir. Yeah. Thank you.
Flora, in the last several years, through your acting career, you have faced other issues also, which was much highlighted in media. So related to that issue, have you become a stronger practical in life or something? You want to comment on it? Let's talk about the film, no? As far as I'm concerned, I think, sir, I have to tell you this. So ever since that ad, till date, I think one person who on almost all, everything that comes out, all of my work that has come out or life's ups and downs, मुझे एक कॉल सर से हमेशा आता है, यू नो, गाइडिंग की, अच्छा ये बहुत अच्छा किया, ये क्यों किया, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन हैव एन आंसर, बट आई थिंक आई विल टॉक अबाउट आवर बॉन्ड व्हिच हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द डे ऑफ दैट एड, दैट्स व्हाट आई लाइक टू टॉक अबाउट. सारे वापस आना चाहूँगा, आपकी जो पहली फिल्म थी ऑफ बीट फिल्म थी, क्लासिक फिल्म है, मतलब उसके बाद भी आपने कई फिल्म की, लेकिन जब कमर्शियल सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल पाता जो आपका, जो आपकी उम्मीद रहती है कलाकार के तौर पे, तो इफेक्ट होता है आपको कि मतलब जो उम्मीद कर रहे थे बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जिसको कहते हैं, अगर क्रिटिकली अक्लेम भी हो जाए, फिल्म फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स वगैरह मिल जाए, लेकिन वो जो रेवेन्यू होता है, होता है कितना होता है, मेरा बस चले तो सारी सीट अकेले भर दूं मैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के, जो सोचता है वो होता नहीं, जो होता है उसके पीछे सोचने का की को इसके लिए जो अपने हाथ में है काम करना, मेहनत करना, और जो फल है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना, मैं वही करता आया हूँ, आगे भी वही करूँगा. बाकी जब भी वो आप जो कह रहे हैं वैसी वाली सक्सेस मिलनी होगी तो मिलेगी. हाँ, और जितनी मैंने तो इतनी भी उम्मीद नहीं की थी, ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत बड़ी बात है, आगे सब बोनस है. थैंक यू. या आई प्रॉब्ली, बट द बिगेस्ट फेस्टिवल इज व्हेन पीपल बाय टिकट्स एंड वॉच इट, दैट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड दैट्स व्हाट आई एम. रामनवमी को रिलीज हो रही है उस फेस्टिवल का हमें जाते हैं. या वी आर शरद, आपसे सवाल है, ताना जी की सक्सेस के बाद और बाहुबली से जिस तरह का एप्रिसिएशन आपको मिला है, उसके बाद से मतलब जो प्रोजेक्ट्स है आपके, वो कहीं ना कहीं आप चूजी हो गए थोड़ा, ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं शुरू से ऐसा था. बीच में भूल गया हाउसफुल. नहीं ऐसा नहीं, मैं शुरू से चूजी रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं क्या है ना, जब तक आप अगर काम करते हो तो खुश ना रहना, अगर किसी चीज़ को सिर्फ आप जब कि आपको पैसे कमाने हैं या आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है या आपको दिखना है, उसके लिए काम करके अगर आप रोज शूटिंग से घर आके अगर बीवी को सुना रहे हैं कि यार क्या बकवास दिन था, इसके घटिया काम किया यार, मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आपको काम करने का कोई मतलब नहीं बनता मुझे लगता है. तो इसलिए मैं हमेशा से ही शुरू से ही मतलब 2007 या 2008 से ही मैं बड़ा चूजी रहा हूँ उस मामले में, कि मैं जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं करूँगा. And I've been lucky also. All thanks to the whole, I think, Marathi, Hindi industry, जिन्होंने मुझे accept किया है और काम देते आ रहे हैं आज तक, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन हाँ, जो दिल को अच्छा लगेगा वही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब ऐसा ही. और शिवाजी के किरदार को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस था, क्योंकि बहुत सारे लोग दरबान के बारे में पूछ रहे थे, शिवाजी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों सुनना चाहते हैं वापस, मतलब इतना प्रोपेगेंडा के बाद. बट वही पॉइंट है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिल्म अच्छी है, फिल्म हिट होती है, उसके बाद आपको मूव ऑन करना होता है मेरे ख्याल से. तो कल ऐसा ना करें, कल मैं कोई नेगेटिव रोल करूं तो आप गालियां दें मुझे बैठ के कि यार कहां छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहा है, भाई घर भी चलाना है ना, अपना काम भी करना पड़ेगा मुझे, तो वो बहुत ज़रूरी है. तो एक छवि में आप आते हैं उस टिपिकल उस पर्टिकुलर टाइम बींग के लिए, फिर आपको मूव ऑन कर, हर एक्टर को मूव ऑन करना है, अगर उसको कुछ सीखना है तो, नहीं तो वहीं फंसा रह जाएगा वो. शरद, जस्ट विदाउट गोइंग मच इन टू डिटेल, वेरी सून आपका ट्रांसजेंडर का रोल आ रहा है, सो यू नो यू ऑलवेज बताया. नहीं नहीं मुंबई में रह, नहीं नहीं, हाँ जी, तो लक्ष्मी का वो जी. सो यू ऑलवेज हैव दिस, यू सेड ना कि मतलब एक चैलेंजिंग रोल्स आ जाते हैं, तो सर मतलब अपन अपना काम कर लो, बाकी आप लोग जब आप देखेंगे फिल्म और उसको जज करेंगे, लिखेंगे मेरे बारे में, तब पता चलेगा कि क्या किया है मैंने. कर तो दिया है, बट हाँ एक चैलेंजिंग चीज है, कभी नहीं की थी और एक्साइटिंग लगा तो मैंने कर लिया, मतलब ऐसा है. मतलब आपके जैसे आवाज होते हुए भी आपने ट्रांसजेंडर का किया. मतलब मेरे जैसे नॉर्मल आवाज है सर,
मेरे को नहीं लगती ना सर वो आवाज ऐसी, आप समझ रहे मेरी बात, मैं अब बना के बोलूंगा शायद मुझे लगेगा कि मेरी आवाज ऐसी, बट मेरी आवाज ऐसी नॉर्मली है मतलब तो नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की चीज है वो आपके लिए, आप इतने सारे रोल करते हो, लगता है ये भी करके देखना चाहिए, कल कुछ और आएगा तो शायद वो भी करो, तो सीखते रहो लाइफ में, ये एक मंत्र है। शारिफ आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि कमर्शियली जब चीजें इतनी जगह पे नहीं आती जितनी हम उम्मीद करते हैं, और फिर भी उसके बाद आप सिनेमा कर रहे हैं, अभी बहुत सी फिल्में से पहले भी आपने की, डू यू थिंक द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप एज एन एक्टर? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यार अपने काम के प्रति ईमानदारी है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें जो आप कर रहे हैं वो आप उसमें आप 100% दें काफी है, बाकी सब चीजें तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 चीज़ों की अपने सर पे लेने का मतलब नहीं है, जो हमको काम दिया गया है, जो हमको सौंपा गया है उसे आप 100% ईमानदारी से करें उतना काफ़ी है, वही आपसे एक्सपेक्टेड भी है, बाकी सारी जिम्मेदारी का बोझ सर पे लेने की जरूरत नहीं है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो ऐसी है कि बड़ी बड़ी फिल्में बैठ जाती हैं सर। कंटिन्यूइंग दिस, यू नो शरद, यू सेड जस्ट राइट नाउ, बड़ी बड़ी फिल्में इवन वी हैव सीन इन द इंडस्ट्री, जहां काबिल और दूसरी रईस आमने सामने थी, बहुत सी ऐसी फिल्में हुई, क्या मानते हैं एक वक्त था जब सिनेमा को बहुत मुख्तलिफ लोग जाना करते थे और 25-25 फिल्में गेटी गैलेक्सी में या बम्बई के कई बड़े लीडो सिनेमा और मिलन सिनेमा में लगा करती थी, अब वो दौर खत्म हो गया है बिकॉज द कॉर्पोरेट इज इन्वॉल्व? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए अभी क्या है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो और टाइम सर किसके पास है आज की, पहले फिल्म में लोग चार चार बार पांच बार देखने जाते थे फिल्म में सर, इसलिए चलती थी 25 हफ्ते, अगर आप हिसाब लगाए तो कोई फिल्म 25 हफ्ते चल नहीं सकती है, खत्म हो जाएंगे सर लोग देख के, तो आइडिया भी था कि लोग एक बार जा रहे हैं फिर नेक्स्ट संडे वापस जा रहे हैं फिर चलो ट्यूजडे को देख के आते हैं, आज जितनी वैरायटी है तो सब चल रहा है सर, और जितना ज्यादा बनेगा उतना अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा ग्रो करेगी, पहले लिमिटेड फिल्म मेकर्स थे, लिमिटेड एक्टर्स थे, आज सबके लिए रोजगार है सर, खुशी मनाई है उसमें तो कम से कम, पहले टिकट रेट भी कम थे। हाँ सर, पहले दिन के 4 शोज होते थे, अभी 15 शोज होते हैं, तो वो 25 हफ्ते जो है वो एक हफ्ते में पब्लिक कवर कर लेती है। जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चंस, आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर जनता बाइट्स, सो लेट्स हैव सम ग्रुप बाइट्स ऑन स्टेज एंड देन आफ्टर दैट वी गोना हैव वन मोर टाइम ट्रेलर। इतना बड़ा गिवन हो गया स्टोरी ऑफ लव एंड रिडेम्पशन। फिल्म के स्टार कास्ट की बात की जाए, स्टार कास्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ऑन द लोअर शूटिंग के टाइम पे किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का माहौल रहा सेट पे? शरद सेड इट वाज मोर ऑफ जोक्स एंड फन, वी एंजॉयड द शूट एब्सोल्युटली, इट वाज ग्रेट फन। सर डर्बन टाइटल के लिए क्या कहना चाहते हैं? डर्बन टाइटल सर, डर्बन सर, डर्बन 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 एक डर्बन साउथ अफ्रीका में, डर्बन यहां पे बर्बन बिस्किट मिलता है, इसकी भी है, इसकी भी अच्छी वो मैं पीता नहीं। शूटिंग किस किस लोकेशन पे की गई है और कोई ऐसा लोकेशन जहां पे शूटिंग के दौरान कोई आपको फेस करनी पड़ी हो? प्रॉब्लम तो वैसे नहीं थी, बट वी शॉट इन सिक्किम, we shot in Wai, we shot in Dhanbad, we shot Wankaner, in Wankaner, Wankaner, Gujarat. Gujarat. And it was fun, nahin, no problems. Location is bahut sundar hai, film dekhenge jab, it's a beautiful, beautiful shot by Amlendu. Acha. Aapke character, aapke kirdaar ki baat kijiye, aapke kirdaar. Ji, mera Anukul naam hai kirdaar mein, aur ye kahani hai mere aur inke rishton ke bare mein. जैसे पूरे दरबान है तो एक केयरटेकर है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे वो उनसे चूकता है और वापस रिडेम्पशन कैसे होता है उसके, उसके बारे बारे में कहानी है। बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत एक ह्यूमन इमोशंस को दिखाने वाली फिल्म है और फैमिली फिल्म है पहली बात, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जिनके छोटे बच्चे हों या जो ऐसी फैमिलीज में ऐसे शहरों से बिलोंग, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ जाके फिल्म देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है और मुझे बड़ी पसंद है, मतलब पर्सनली अगर आप बात करें तो, और काम सबने अच्छा किया है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकारा हैं और बहुत अदाकार हैं तो फिल्म बड़ी अच्छी है और गाने स्पेशली आप देखिएगा, गाने मतलब आपने इतनी फिल्में आते हैं, इतने हमारी बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े गाने आते हैं, बड़े फेमस होते हैं रोमांटिक, उनकी तरफ सबका ध्यान होता है बिकॉज वो बहुत हाईली प्रमोटेड होते हैं। इस फिल्म के गाने मैं लिख के दे सकता हूँ किसी भी बड़ी ऐसी बनाई हुई फिल्म से, देता हूं। गानों से कम नहीं, आप सुन के देखिए बहुत सुंदर गाने हैं एंड इस आई थिंक यूएसपी फिल्म के एक यूएसपी से गाने हैं, तो जब आप देखेंगे अभी कुछ दिनों बाद हमारा म्यूजिक लॉन्च होगा
आप बोलेंगे कि ये गाने यार वाकई जबान पे चढ़ने वाले और बहुत अच्छे हैं। सर जी आपके काम को हमेशा ही जनता ने सराहा है। नहीं, अच्छा मेरे बारे में शारिब पे भी बाइंग टाइम मैं इनके पास पूछ रही हूं। हां हां सर, तो आपके गाने को काफी लोगों ने पसंद किया है, तो इस फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं, तो इस कहानी और इस डेब्यू कर रहा हूं डेब्यू का कर रहा हूँ मैं इसमें इस स्टोरी में ऐसी क्या खास बात रही इस फिल्म में डेब्यू इस फिल्म में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा स्टोरी स्टोरी में वही मैंने बताया कि ये बड़ी बड़ी एक इमोशनल सी कहानी है। लोगों ने मुझे एक अलग अवतार में देखा है इस तरह की नेगेटिव है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर होता है इसमें, बहुत ही एक सिंपल सा एक एक लड़का है, फिर वो एक बाप बनता है और अच्छी सी फैमिली है उसकी, तो इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर। मेरे हिसाब से सिंपल कैरेक्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे ख्याल से, तो इट्स वन ऑफ द दोस काइंड ऑफ रोल्स जो आपको करने में मजा आता है। होली आने वाली है, होली का त्यौहार आप लोग इस साल किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ जगह पे सेलिब्रेट कोरोना सेलिब्रेट कोरोना ऐसा लग रहा है मुझे, बट वायरस आ जाएगा। हाँ मतलब आप देखिए खेलिए होली खेलिए, प्रिकॉशन थोड़े लीजिए बस, ज्यादा रंगों से मत किसी के फेस पे हाथ वात मत लगाओ, ठीक हो मत हाथ भी लगाओ ठीक। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि आम जनता मास्क पहन के घूम रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आम जनता को मास्क पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। जो लोग बीमार हैं जिनको डाउट है वो लोग प्लीज़ मास्क पहन के घूमिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिना चूके, क्योंकि उनसे लोगों को ज़्यादा खतरा है, हम जैसे लोगों से खतरा नहीं है, तो हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें जिसकी बहुत किल्लत हो रही है आजकल, और ज़्यादा अवॉइड करें पब्लिक प्लेस पर जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। अगर आप लोगों को जानते हैं अब जाइए, लेकिन आप जिन लोगों को जानते नहीं है पब्लिक गैदरिंग है वहाँ अवॉइड करें जाना, बस इतना ही। हॉलीवुड अगला नहीं, यू देयर इज अनदर फिल्म कमिंग अप सून, आई थिंक नहीं कमिंग अप सून, सो या आई गेस अ मिक्स बैग, बैलेंस ऑफ बोथ। टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता।